मेरा जन्म बीकानेर शहर में हुआ था, राजस्थान में एक शहर है पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, 31 अगस्त 1945 को। बल्कि आज ही के दिन जब आप ये कर रहे हैं तो भारतीय तिथि के हिसाब से आज ही के दिन मैं पैदा हुआ था, जन्माष्टमी के दूसरे दिन, इसीलिए मेरा नाम नंद किशोर रखा गया। मेरा बचपन वहीं बीता, शिक्षा दीक्षा वहीं हुई सारी, एमए तक। बीच में मैं एमए इतिहास करने के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय जरूर गया था, और वहां से लौटने के बाद वहां एक स्कूल में कुछ दिन पढ़ाया, और वहां से फिर मैं जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया। मैंने जयप्रकाश नारायण ने उस जमाने में एक अखबार निकाला था एवरी मैन्स वीकली, आपातकाल से पहले, और अग्गे उसके संपादक हुआ करते थे, तो उनके बुलावे पर मैं गया उसमें, और कुछ अर्सा तक उसमें काम किया। वो अखबार बंद हो गया, एमरजेंसी के कारण से बंद कर दिया गया था। तो मैं कुछ दिन जयपुर में रहा एक संस्थान में, जो प्रौढ़ शिक्षा का संस्थान था, लौट करके फिर बीकानेर आया, वहां भी एक प्रौढ़ शिक्षा के संस्थान में कुछ दिन काम किया, फिर कॉलेज में चला गया। रिटायरमेंट तक 2002 तक कॉलेज में पढ़ाता रहा इतिहास, और रिटायरमेंट के बाद मैं वर्धा चला गया अशोक वाजपेयी के बुलावे पर। करीब 5-5.5 साल में वहां रहा, और वहां मैंने अहिंसा और का एक पाठ्यक्रम तैयार किया और पढ़ाया भी उसको, और करीब 5 साल में वहां पर रहा। उसके बाद मेरा जब काम वहां पूरा हो गया कार्यकाल, तो मैं लौट के अपने घर जा रहा था, तो जयपुर में एक डीआर मेहता एक सज्जन है, उनसे मेरी भेंट हुई। वो एक संस्थान चलाते हैं, तो उनके आग्रह पर मैं उनके संस्थान में रुका, और करीब 1.5 साल तक वहां रह करके मैंने एक अहिंसा विश्वकोश हिंदी में तैयार किया, और उसके बाद मैं हैदराबाद चला गया, IIIT में आ गया, लोगों ने ऑफर दिया तो, और तब से वहां पढ़ा रहा हूं। वहां भी मैं यही विषय से पढ़ाता हूं, इतिहास, अहिंसा, मानव अधिकार, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट्स, इन सब चीजों के बारे में मैं अपने कोर्सेज वहां पर चलाता हूं। फिर दुनिया भर में इधर उधर घूमता रहता हूं, तो साहित्य के कार्यक्रमों में इत्यादि इत्यादि। लेखन के प्रति जो मेरी रुचि थी वो बचपन से ही थी, तो शुरू में से बच्चों में होता है, उसे कुछ कविता वगैरह लिखता था, लेकिन उसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक मेरे ख्याल से एमए करने के बाद मैंने शुरू किया। तो कविताएं लिखी, कुछ आलोचना लिखी, अज्ञेय की काव्य तितीर्षा नाम की पुस्तक मैंने अज्ञेय के काव्य पर लिखी थी, जो काफी मकबूल हुई और लोगों को बहुत पसंद आई, और तब से एक आलोचक के रूप में भी मैं विभिन्न विषयों पर, साहित्य के लेखकों पर, बहुत सारी चीजों पर लिखता रहा, और यही चल रहा है।